स्वागत है कनाडा सीरीज के तीसरे एपिसोड में। पिछले दो वीडियोस में मैंने आपको दिखाए वैंकूवर शहर के कुछ बेहद ही खूबसूरत नजारे, स्टैनली पार्क से लेकर वैंकूवर के डाउनटाउन तक। और आज के इस खास एपिसोड में मैं आपको लेके चलूंगा दुनिया के सबसे बड़े फर्नीचर स्टोर चेन आईकिया में, जिसके तो स्टोर ही एक छोटे से शहर जैसे दिखते हैं। साथ साथ चेक करेंगे बहुत सारे आइटम्स के प्राइसेस भी। शुरुआत करते हैं यूबीसी के कैंपस से। अगर आपको आइकिया के बारे में नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। आइकिया एक स्वीडिश कंपनी है जिनके फर्नीचर स्टोर्स होते हैं, बहुत यूज होते हैं और बहुत अमेजिंग होते हैं। मैंने कुछ वीडियोस देखे थे तो उसमें देखा कि एकदम अलग सा वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होता है, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि एक बार जाके वहाँ चेकआउट करते हैं। मैं भी देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कि आइकिया के स्टोर्स दिखते कैसे हैं। वैसे तो इंडिया में भी रिसेंटली आइकिया का एक स्टोर खुला था हैदराबाद में, आई थिंक मुंबई में भी एक है, मैं श्योर नहीं हूँ ज़्यादा, बट आई थिंक है। तो अब चलते हैं यहाँ से। जो नियरेस्ट आइकिया का स्टोर है यूबीसी कैंपस से वो है रिचमंड में। रिचमंड जो है वो वैंकूवर का एक सबर्ब है। वैंकूवर के जो डाउनटाउन एरिया है उसके आसपास कुछ सबर्ब एरियाज हैं, उनमें से एक है रिचमंड जहाँ पे एयरपोर्ट भी है YVR, दूसरा है सरी जहाँ पे बहुत सारी इंडियन कम्युनिटी रहती है, और तीसरा है बर्नबी और एक दो और भी हैं। तो जो नियरेस्ट वाला है वो है रिचमंड, उसके लिए यूबीसी के बस लूप जाना होगा। वहाँ से लेंगे बस नंबर 49, वो लेके जाएगी मेट्रो टाउन स्टॉप तक। वहाँ से चेंज करेंगे बस, और बस चेंज जो हम करेंगे नेक्स्ट बस हमें लेके जाएगी सीधा रिचमंड। वहाँ से उतर के अराउंड 500 मीटर की वॉक है आइकिया के स्टोर तक। और ये है यूबीसी थंडरबर्ड्स जो यहाँ की बास्केटबॉल टीम है आई थिंक। ऑल राइट, फाइनली तो हम सही जगह पे आ गए हैं। जैसा आप देख सकते हो ये है बे 4 सामने, और वहां सामने दूर में दिख रहा है मुझे बे 5। यहाँ पे इस तरीके से लिखा आता है, सो यही मेट्रो स्टॉप स्टेशन जो मैं बोल रहा था। सो नेक्स्ट बस जो है वो 2 मिनट में आएगी और उसमें हम चलेंगे। ट्रांजिट सिस्टम का कंपास कार्ड ये मैंने आपको अपने वैंकूवर सीरीज़ के जो शुरू के वीडियोस थे उनमें मैंने आपको ही दिखाया था, जब मैंने वाटरफ्रंट स्टेशन पे ये वेंडिंग मशीन से लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। हमारा स्टॉप बस आने वाला है नाइट स्ट्रीट, चलते हैं। तो ये आ गए हम नाइट स्ट्रीट, और अब यहाँ से दूसरी बस लेंगे, उस तरफ जाएंगे वहाँ पीछे की तरफ रोड क्रॉस करके, और वहाँ से मिलेगी दूसरी बस जो कि लेके जाएगी रिचमंड। और भाई 15 मिनट वेट करने के बाद फाइनली हमारी बस आ गई नंबर 430। आ गया हमारा स्टॉप फाइनली। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू रिचमंड। तो आ गए 2 बसेस लेके, अराउंड 1 आवर 15 मिनट्स के आसपास लगा टोटल ट्रैवल टाइम, विच इज़ फेयर। जिसमें भी मोस्टली जो 15 मिनट के आसपास वेटिंग टाइम था वो जहाँ पे बस चेंज करनी थी वहीं, वो दूर में आपको दिख रहा होगा आइकिया लिखा हुआ, बस वहीं जाना है।
फाइनली अराउंड 5 मिनट चलने के बाद सामने है आइकिया का स्टोर और ये बहुत ही ह्यूज है पीछे। और ये स्टोर इतना ह्यूज है कि एक तो इनकी अंडरग्राउंड पार्किंग है सामने और उसके बावजूद इतनी बड़ी पार्किंग यहाँ सामने भी है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वीकेंड वगैरह हॉलीडेज पे यहाँ पे कितने लोग आते होंगे। स्टोर में आपको हर चीज़ जो होती है वो घर की तरह ही डिज़ाइन करके दी जाती है। जैसे आप ये देखोगे अगर तो पीछे पूरा एक लिविंग रूम का सेट दिख रहा है और इसमें हर चीज़ का अलग अलग प्राइस टैग। लिविंग रूम के डिज़ाइंस इस तरीके से भी बनाए जाते हैं जो इतने सुंदर लगते हैं। यहाँ पे जो लाइटिंग है अगर आप वो भी देखोगे तो वो भी इसी तरीके से है कि आपको ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा और लेने की बहुत अच्छा करेगी। ये क्वार्ट्ज का क्वार्टर टॉप $26.91, ये कारपेट $39.99। ये सिंक $289। ये स्टोव $899। ये पॉट विद लिड $45। आपको पूरे किचन का यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। चॉपिंग बोर्ड $50। हर चीज़ की यहाँ पे अपनी अपनी एक प्राइस होती है और आप इनको खोल के भी देख सकते हैं। वो लिखा है ओपन एंड डिस्कवर। इसके अंदर भी चीजें रखी हुई हैं। वाओ, और ये अगर आप देखोगे तो ये एक लिविंग रूम जैसा है जहाँ पे कुछ सोफाज हैं, कुछ काउचेज हैं, एक टेबल है। और सिमिलरली यहाँ पे हर चीज का अपना अपना प्राइस है $849। ये कुछ पिल्लोज हैं $18। कुछ लाइट्स, कुछ लैम्प्स, एक टीवी भी है। ओ, ये रहा टीवी। लेकिन ये टीवी स्टोरेज कॉम्बिनेशन है, अच्छा टीवी नहीं मिलेगा इसमें आई थिंक $555। बेसिकली ये जो पूरा जो आपको रैक दिख रहा है ये है। ये टेबल $90। यहाँ देखो पूरे एक रूम का भी इन्होंने डिजाइन बना रखा है, एक छोटा सा कॉम्पैक्ट रूम, क्लॉक, लाइट्स, टेबल्स, शेल्फ्स, कुछ कपड़े भी हैं, चेयर, टेबल। ये डेस्क है $179 की। ये चेयर का प्राइस देखते हैं। अच्छा, ये इसमें चेयर पैड है, ये है $699। और चेयर का प्राइस यहाँ पे है ये रहा $120। नेक्स्ट बाथरूम। ये बाथरूम कॉम्बिनेशन अगर आप लोगे तो आपको इसमें ये सब कुछ मिलेगा और प्राइस आपका होगा $1826। और आप देखें इनकी प्लानिंग सर्विस भी होती है, मुझे नहीं पता ये क्या होता है। इन होम डिलीवरी भी होती है $59 से। और इंस्टॉल आपको इसको खुद, या तो आप खुद कर सकते हो, किसी से करवा सकते हैं, या आईकिया वाले आपके लिए कर देंगे। ऑब्वियसली उसमें चार्ज भी होगा। बाथटब, कुछ क्लोजेट्स। ओ वाओ, और ये एक और लिविंग रूम, ये थोड़ा सा ग्रीन साइड पे है। कुछ प्लांट्स, कुछ पॉट्स रखे हुए हैं यहाँ। यहाँ पे फ्रिज भी है $2800। खोल के देखते हैं। वो इसके अंदर भी चीज़ें हैं। वाओ, यहाँ पे हर चीज़ को यूज़ कर रखा है, हर छोटी सी छोटी जगह को भी यूज़ कर रखा है। अंदर बोल्स हैं, कुछ बॉक्सेस हैं। इस साइड को छोटे छोटे जार्स हैं अराउंड $6 के, ₹360। वाओ, और आप सोच सकते हो ये स्टोर इतना बड़ा है कि इसमें इतने सारे शॉर्टकट्स दे रखे हैं। तो हम थे अभी सबसे स्टार्टिंग में शोरूम एंट्रेंस और हमने अभी शुरू वाला सारा एरिया देखा है। अब आगे चलते हैं और आप इन पे बैठ के भी इनके सोफे चेकआउट कर सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक ये वाला है, इन्होंने पूरा लिविंग रूम ही स्टाइल से बना रखा है यहाँ पे। बहुत सारी टेबल्स, डेस्क्स जो बहुत न्यूट्रल कलर में है, से हल्का सा ब्राउन वुडन फिनिश के साथ या फिर वाइट। ओह, ये बड़ा फैंसी है, ये क्या है? अच्छा, बस टेबल्स का स्टैक है लेकिन उसको लगाया इस तरीके से है कि कितना अमेजिंग लग रहा है। कुछ वार्डरोब्स और इवन डोर्स भी हैं, डोर विद हिंजेस।
नॉर्मल डोर, हैंगर्स, टेबल्स, स्लाइडिंग डोर्स, वाओ। और कुछ क्यूट से स्टफ टॉयज। अब हम किड सेक्शन में आ गए, क्योंकि अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे अब बेड के साइज छोटे हो गए हैं और जो चीज़ें हैं वो भी थोड़ी बच्चों के टाइप की हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस भी मिलते हैं, जैसे एक पूरा कंप्लीट बेडरूम अंडर $800, जिसमें आपको एक बेड फ्रेम, एक मैट्रेस, वार्डरोब, टेबल विथ टू चेयर्स, वॉल स्टोरेज, स्टोरेज बॉक्स और एक प्ले किचन समथिंग, पता नहीं $777 का पड़ेगा। मेरे सामने एक स्वीडिश रेस्टोरेंट यहाँ पीछे, तो चल के ट्राई करते हैं कुछ अच्छी डिशेज। खाने का भी बड़ा इनोवेटिव सा सिस्टम है, आप अपने आप ये ट्रे लो, इसको यहाँ रखो, ऐसे एक लाइन जा रही है, इसमें बहुत सारे फूड ऑप्शंस हैं, जो जो आपको चाहिए वो ऐड कर लो और एंड में अपनी ट्रे लेके वहाँ जाना होता है और वहाँ पे जो भी आपने लिया है उसको बिल करके चेकआउट कर सकते हैं, फिर बैठ के खा सकते हो। आपको अपने साथ लेके जानी हो एक से ज़्यादा ट्रे, तो उस टाइप की कुछ यहाँ पे ट्रे ट्रॉली भी मिलती है, जिसमें 1-2-3 ट्रे आप एक साथ रख के फिल कर सकते हो। तो मैं लूँगा एक सिनेमन बन, ये अच्छा लग रहा है, एक मफिन भी ले लेते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है। और अब कुछ पीने का ढूंढते हैं, क्योंकि बाकी सब तो नॉन वेज है। तो मैंने लिए टोटल में 3 चीज़ें, एक है ये एप्पल सिनेमन बन, दूसरा है ये मफिन और तीसरा है ये $1.50 का एक ग्लास। तो बेसिकली यहाँ पे जो ड्रिंक्स होती हैं वो एक ग्लास के फॉर्मेट में मिलती हैं और उसके बाद आप उसको अनलिमिटेड रिफिल्स कर सकते हो वहाँ से। और ये टोटल मुझे पड़ा है $4.73 का। और व्यू बहुत अच्छा है यहाँ पे, बाहर बहुत अच्छा था और ड्रिंक्स भी बहुत अलग अलग तरीके की थी, कुछ रास्पबेरी, कुछ लिंग बेरी, मैं समझ में भी नहीं आया, मैंने कभी पहले नाम भी नहीं सुना है, बट जो भी है बहुत अच्छा था। अब आगे चलते हैं, अगले सेक्शन एक्सप्लोर करते हैं। हम आगे पिल्लोज के सेक्शन पे और आपको देख के हैरानी होगी यहाँ पे कितने टाइप के पिल्लोज हैं, हर टाइप का। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से भी डिविजन है, जो लोग बैक पे सोते हैं या साइड पे सोते हैं उनको ऐसा वाला लेना चाहिए। ये एक पिल्लो सिलेक्शन पॉइंट है जहाँ पे आई थिंक सारे टाइप के रखे हुए हैं, तो आप यहाँ पे आके अपना टेस्ट कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो आपको कौन सा अच्छा लगा और फिर अकॉर्डिंगली वहाँ से आप पिक कर सकते हो। ये कुछ सॉफ्ट पिल्लोज हैं फॉर स्टमक स्लीपर्स जैसे कि मैं, $30 ऑलमोस्ट ₹1800 1800 रुपये। और इनमें ये भी लिखा हुआ है ये किस चीज के बने हुए हैं, अंदर क्या फीलिंग है। ये क्या है? अच्छा ये बाथरूम के आइटम्स हैं, बाथ मैट्स, सोप डिस्पेंसर्स। यहाँ पे आप प्राइस भी चेक कर सकते हो, किसी भी प्रोडक्ट का बारकोड इसमें स्कैन करो और यहाँ उसकी प्राइस आ जाएगी। अगर बाई चांस कहीं नहीं लिखा दिख रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें भी जाके चेक कर सकते हैं। सोप डिस्पेंसर्स $1.50, बहुत छोटे हैं ये वाले, एक बार बड़े वालों की प्राइस चेक करते हैं जहाँ पीछे रखे थे। ये रहे, ये मुझे बहुत अच्छे लगे, ये हैं $25, यानी कि ऑलमोस्ट ₹1500। और यहाँ पे एक कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन जिसमें आपको ये इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी फॉर $796, विच इज़ ऑलमोस्ट ₹48,000। भाई हम काम के सेक्शन में, होम डेकोरेशन, कितना सुंदर है ये पीछे। यहाँ कुछ अच्छा लगेगा अगर कुछ छोटा सा आइटम होगा तो मैं एक्चुअली ले लूँगा, क्योंकि मेरे पास बैग्स में ज़्यादा जगह नहीं है, लेकिन छोटे आइटम के लिए तो ठीक है। ओह ये होम लिखा हुआ है $16, कुछ प्रिज्म्स टाइप के रखे हुए हैं, ये पता नहीं कितने के, इन पे प्राइस नहीं लिखा हुआ, कहीं आसपास भी नहीं लिखा। ओह ये रहा नीचे,
$10. ओह, बड़े फैंसी से बंदे और ग्लासेस. इनका भी प्राइस चेक करते हैं, $11. अलग अलग कलर की भी सैंड है इनमें, कुछ पिंक है, कुछ ब्लैक है, कुछ ब्राउन है, शेप्स भी अलग अलग हैं, कुछ इस टाइप के शाइनी शाइनी से बोल्स हैं. इसको देख के मुझे केमिस्ट्री लैब की याद आ रही है. काफी सारे प्लांट्स अलग अलग शेप्स के, कलर्स के, डिजाइन्स के, पॉट्स के भी डिजाइन्स अलग अलग हैं. तो आपको जो कॉम्बिनेशन पसंद आए वो आप ले सकते हो. और ये है कुछ ओपन स्टोरेज प्लानिंग स्टेशन. ओके, अच्छा, इसमें आप अपने ये प्रोडक्ट्स लेकर इनको कस्टमाइज कर सकते हैं स्टोरेज सिस्टम के लिए. नाइस. ये सब आप देखोगे तो ये सेक्शन होम स्टोरेज का है. यहाँ पे आपको बकेट्स, बास्केट्स, बैग्स, सब कुछ मिल जाएगा इस टाइप का, रैक्स, शेल्व्स. ट्रैश कैंस $2, वो जो ऊपर रखे हैं. इतना बड़ा होता है रफली एक. और ये बोर्ड्स वगैरह का सेक्शन लग रहा है मुझे, वन शेल्फ टू साइड्स. इनको आप ले जाओ और घर जाके खुद असेंबल करना पड़ता है. ओ, ड्राइंग रैक $40. यार ड्राइंग रैक काम क्या होता है, ड्रायर होते हैं हर जगह. ओ, डस्टबिन रखे हैं. ये भी सेल के लिए हैं क्या, ये एक्चुअल डस्टबिन हैं, पता नहीं. ओके, नेक्स्ट सेक्शन है वॉल डेकोरेशन. पेंटिंग्स और इस टाइप की चीज़ें मिलेंगी, फोटो फ्रेम्स, कुछ इस टाइप की चीज़ें, बेसिकली घर को सजाने की चीज़ें. बहुत सुंदर है सब कुछ. वाओ, ये देखो, कोलाज फ्रेम फॉर 8 फोटोज $15. मेक योर वॉल्स मोर ब्यूटिफुल, व्हाई नॉट. कुछ मिरर्स $15, और कुछ मिरर्स $17. ओह, बड़े वाले मिरर्स 89, 85. Oh, बहुत ही बड़ी क्लॉक 35. आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबकी जो टी शर्ट है उसके पीछे HEJ वो लिखा होता है. सो मैं काफ़ी श्योर हूँ स्वीडिश में इसका कुछ मतलब होता होगा, तो घर जाके चेक करूँगा कि इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों लिखा है सबके पीछे. यूटिलिटीज़ वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको रोज़ का यूटिलिटी का सामान दिखेगा. कुछ सीजर्स भी हैं, देखते हैं सीजर्स कितने की मिलती हैं. आप $3.99, $4 बेसिकली. ये सारा इस साइड में किचन इक्विपमेंट, हर टाइप का आपको पॉट्स, पैन्स, विद लिड्स, विदाउट लिड्स, फ्राइंग पैन्स, वुडन. ओ, छलनी जैसे बोलते हैं, $17. Ready to plan the kitchen of your dreams? When you book a one-on-one kitchen planning appointment, one of our kitchen experts will work with you to cook. Frying pan, though, our lowest price, $13. Okay. Oh, ये lighting section, I think. कितना bright कर रखा है. हर type की light है यहाँ पे. ये इतनी amazing सी light है. $99, almost 6,000 rupees. इस टाइप की भी लाइट्स हैं $25 में.
और कुछ लैम्प शेड्स भी हैं, $5। अच्छा, ये सिर्फ शेड है, लैम्प नहीं है अंदर का इंक्लूडेड उसमें। और ये हैं अलग अलग टाइप के बल्ब्स, 50 वॉट, $5 का एक पैक, 90 वॉट्स। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, ये कौन सा सेक्शन है, ये क्या रखा है समझ में नहीं आया मुझे। अच्छा, ब्लाइंड्स, ओ ये ब्लाइंड्स हैं, नाइस, $43 के, तो मतलब ये ड्रेप्स वाला सेक्शन आ गया आई थिंक। ये रहे कर्टेंस भी आ गए, $60। यहाँ लिखा ये वाले जो ब्लाइंड्स हैं रिमोट कंट्रोल से ऊपर नीचे हो सकते हैं, नाइस। यहाँ रखे हैं कुछ ब्लैकआउट कर्टन्स, और लोएस्ट प्राइस देखते हैं लोएस्ट प्राइस कितनी होती है, $17 फॉर दिस। ओके, $60 क्योंकि ये न्यू पीसेज हैं। तो यहाँ भी इंडिया जैसा ही सिस्टम है, कुछ चीज़ें डिस्काउंट पे हैं, कुछ चीज़ें फ्रेश अराइवल्स हैं, ऑब्वियसली डिस्काउंट वाली यहाँ पे काफ़ी सस्ती हैं फ्रेश अराइवल्स के कंपैरिजन में। तो शायद आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब शुरू में हम स्टोर एंटर किए थे तो वहाँ पे पूरे पूरे लिविंग रूम्स, बाथरूम्स, बेडरूम सब पूरा डिज़ाइन था एकदम, जो आपस में रखे हुए थे। ऑब्वियसली आप उनके इंडिविजुअल आइटम्स भी खरीद सकते हो, लेकिन वो पूरे एक साथ डिज़ाइन थे कि वो पूरे घर जैसा दिखे। और यहाँ पे ज़्यादा वेराइटी और इंडिविजुअल आइटम्स रखे हुए हैं। और लाइट्स वाले सेक्शन में मैं एक बार वापस आया, जिसको ढूंढ रहा था कुछ अच्छा लगे तो ले जाऊँ घर, बट मैंने आके यहाँ देखा कि यहाँ पे तो और कितनी सारी सुंदर सुंदर टाइप की लाइट्स हैं। मैं उस साइड वाले सेक्शन में गया था, इस साइड नहीं आया था। यहाँ पूरे में ऐसे लैंप्स लगे हुए हैं इतने सारे, और इतने इतने सुंदर हैं, बिल्कुल घर में भी एक ऐसा ही हमारे पास, इस ऐसा है एक्चुअली, ऐसा स्टाइल का। कुछ बहुत ही अमेजिंग यहाँ का सेल्फ सर्व फर्नीचर एरिया, और देखो ये कितना ह्यूज है, अभी आपको अंदाजा लगेगा इसकी हाइट का, ये इतना ऊंचा है, ये जैसे प्लेन के हैंगर्स नहीं होते या बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती है उस टाइप की फीलिंग आ रही है मुझे। कहाँ ऊपर ऊपर तक बॉक्सेस और डेस्क एंड बोर्ड्स और पता नहीं क्या क्या यहाँ पे स्टोर्ड है, ऑफिस चेयर, वाओ, बिल्कुल एक बड़ी फैक्ट्री की तरह है। यहाँ पे आइल्स हैं, एकदम बहुत ही ह्यूज है ये एरिया, ह्यूज एरिया में जो भी इतना कुछ सब कुछ फर्नीचर रखा है, ये सेल्फ सर्विस लिए क्योंकि ये खुद असेंबल करना पड़ता है। तो आप ये बोर्ड्स और ये सब लेके जा सकते हो, और इन पे डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि इनको कैसे असेंबल करना है। तो जैसे अगर आप एक डेस्क लेके जाओगे तो वो पूरी ऐसे एक डेस्क नहीं मिलेगी यहाँ पे, वो बेसिकली बोर्ड मिलेगा, उसके लेग्स होंगे और सब कुछ होगा, और आप खुद उसको असेंबल कर सकते हो फिर यूज़ कर सकते हो। और इसीलिए ये इतने यूज हैं, इतना ऊपर तक जाती हैं इसके शेल्व्स, वाओ। और पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है यहाँ ऊपर ऊपर तक, इतना सब कुछ रखा हुआ है, मैट्रेसेस $200, फोम मैट्रेस 180। यहाँ मैट्रेस भी इतने टाइप के हैं, कुछ फोम है, कुछ हाइब्रिड है, कुछ स्प्रिंग है। और जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे आपको ये जो चीज़ें जो रखी हैं ये खुद इंस्टॉल करनी होती हैं, लेकिन ये लोग भी करके दे देंगे जैसा कि सामने लिखा है, ऑब्वियसली उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। मैंने कहा था कि अगर मुझे कुछ छोटा सा मिल गया जो अच्छा लगा तो मैं वो ले लूँगा। तो होम डेकोरेशन वाले एरिया में मुझे ये मिला, ये छोटा सा आर ग्लास, अलग अलग कलर्स के थे ये, एक पिंक कलर का था, एक ब्लैक का था, एक ग्रे, एक ये ब्राउनिश कलर का था। तो लेकिन वो बाकी सारे जो थे वो बहुत बड़े थे, तो अननेसेसरी वो बल्की हो जाते और फिर मेरे बैग का वेट बढ़ जाता वापस घर जाते हुए, फ्लाइट में बैगेज रिस्ट्रिक्शंस होती हैं सबको बताए।
तो छोटे वाले में एक ही लास्ट पीस बचा था थैंकफुली, वो बोले कि ये बहुत पॉपुलर है तो इसीलिए इसमें बाकी कलर्स अवेलेबल नहीं है, तो मैंने वाला फटाफट से ले लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, एटलीस्ट कुछ मेमोरीज तो रहेंगी आई की। चलते हैं चेकआउट की तरफ, यही मेरे पीछे ही है, और इसी के साथ हमारा आइकिया का ये टूर, ये एडवेंचर खत्म हो जाएगा। तो गाइज आइकिया से आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरा कनाडा में आगे का सफर देखने के लिए सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन दबाते जाइएगा। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको लेके चलूंगा कनाडा के सबसे बड़े डिपार्टमेंट स्टोर्स में से एक वॉलमार्ट में, और साथ साथ ये भी दिखाऊंगा कि अगर आप आ रहे हैं कनाडा पढ़ने या रहने के लिए तो कितना महंगा पड़ सकता है आपको यहाँ का डे टू डे खर्चा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।